समझ में करके तो अपने हाथ में लेना चाहते हैं। तुमने पूरी तफसील पढ़ी? जी हाँ। अजयगर के केस को सॉल्व करने के लिए दो प्राइवेट डिटेक्टिव वहां भेजे गए। यस। दोनों वापस नहीं लौटे। ट्रू। उसके बाद इंटेलिजेंस ब्रांच से इंस्पेक्टर रवि को वहां भेजा गया, वो भी वापस नहीं लौटा। यस। इंस्पेक्टर रवि के गायब होने या मरने से पहले जो रिपोर्ट हमें मिली है उससे पता चलता है कि अजयगढ़ में हर अमावस की रात को एक प्रेती नजर आती है। अब सर मैं इस भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता। मुख्तसर ये कि जो आदमी वहां जाता है वापस नहीं लौटता। अगर अकेले गए तो शायद तुम भी वापस ना आओ। सर मुझे यकीन है कि मैं इस केस को सॉल्व करके ही लौटूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है इंस्पेक्टर राज। क्राइम ब्रांच के इंटेलिजेंट इंस्पेक्टरों में से तुम एक हो। मैं तुम्हें यूं खो जाना नहीं चाहता। थोड़े दिन सब से काम लो, मैं तुम्हें पूरी फोर्स के साथ भेजूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, लेकिन इस केस को मैं अकेला ही सॉल्व करना। ओह नो नो माय यंग गर्ल बॉय, ये अकेले आदमी का काम नहीं, इम्पॉसिबल। लेकिन सर मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं इस केस को सॉल्व करके ही बताऊंगा। और अगर आपने मुझे इजाजत नहीं दी तो मैं एक महीने की छुट्टी लेकर अपनी रिस्क पर वहां जाऊंगा। वेल माय डियर यंग बॉय राज, अगर तुम इस केस में इतनी दिलचस्पी रखते हो मैं तुम्हारा नाम आरोप कर देता हूँ। विथ ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। आप एक आत्मा में विश्वास
गाड़ी में बैठो, जो देगा साहब खुशी से लेगा साहब। चल साहब। Thank you.
आइए आइए बैठिए। अजय कहाँ जाओगे? गुलमोहर होटल। क्या कहा? गुलमोहर होटल। जिस शान साहब एक टैक्सी में बैठे उसी शान से उतर जाइए। मैं कहता हूँ उतर जाइए, उतर जाइए। अच्छा 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 भाई, ये लो भाई उतर गया। क्यों? मेरे भैया ने कहा है कि किसी को अजय कर गुलमोहर होटल में नहीं ले जाना। लेकिन क्यों? क्यों? आप कोई हवलदार है, कोई जमादार है, कोई तहसीलदार है, नहीं ले जाओ तुमको। अच्छा 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 सुनो भाई, मत ले जाना। लेकिन इतना गर्म क्यों जाते हो? तुम सगल सुबह से तो बड़े आदमी लगते हो। अच्छा सुनो, एक बात बताओ। बोलो, जल्दी बोलो। तुम मुझे वहाँ क्यों नहीं ले जाना चाहते? बड़ी सॉरी, फिलहाल तो कोई कमरा खाली है नहीं। देखिए मैनेजर साहब, मुझे सिर्फ एक रूम की जरूरत है। आज मैंने आपसे कहा कि इस वक्त इस होटल में कोई कमरा खाली नहीं है। आई एम वेरी सॉरी। इधर रूम देखिए, आप तो जानती हैं कि कोई कमरा खाली नहीं। रूम नंबर 13 तो खाली है, पहले दीजिए। लेकिन आप तो जानती हैं कि वो भी खाली नहीं। खाली पड़ा तो रहता है, लेकिन कुछ आप कहती हैं तो पैसा दे देते। थैंक यू वेरी मच। आइए मिस्टर राज,
और लेट डाइट। हेलो मैम। हेलो आइए। कमरा पसंद आया? कमरा तो खूब सजाया है जी हाँ, लेकिन वो गाइड तो कहती थी कि कमरा खाली पड़ा रहता है। मगर मैं भी तो कह रहा था कि कमरा खाली नहीं है। खाली पड़ा रहता है, खाली नहीं है। आप कॉफी पियेंगे कि चाय पियेंगे, क्या प्रेफर करेंगे आप? सिर्फ कॉफी। सिर्फ कॉफी। आप तशरीफ रखिए, मैं भी उतार देता हूँ। बात यह है कि मैं इस होटल में बिल्कुल नया नया आया हूँ और मैं इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता। आपकी कॉफी ठंडी हो रही है, आप कॉफी पीजिए ना, आइए। और वैसे किसी और चीज की जरूरत हो मुझे जरूर याद कर दीजिएगा। गुड नाइट।
क्या खा जाएगा? तुझे कितनी बार मना किया है कि तू वहाँ पैसेंजर को मत ले जाएगा? यार तुम भी कमाल करते हो, खा खा मुझे डरा करते हो। अरे मैंने कितना मना किया उसको, लेकिन वो नहीं माना तो मैं क्या करूँ? तो कौन है? कौन है? मैं हूँ। अच्छा कौन, क्या चाहिए भाई? बहादुर यहाँ भी प्रेतनी आ गई। अरे इस गांव में प्रेतनी तो थी, अब प्रेत भी आ गया। भैया उसे कह दो कल रात को एक प्रेतनी आती है और वो गाना गाती है, और जिसको चाहती है ना बाबूजी, उसको अपने गाने में मस्त कर देती है। फिर वो उसके पीछे हो जाता है, फिर वो एक खंडेर में जाती है, फिर वो आदमी भी खंडेर में जाता है। फिर क्या होता है? फिर बाबू जी फिर वो आदमी खंडेर से वापस नहीं आता। लेकिन अब मैं इसी वक्त वहीं से आ रहा हूँ। खंडेर के बाबू जी आ रहे? वो प्रेतनी को आपने देखा? उसका गाना सुना? और अब जाते वक्त वहीं से तो जाऊंगा। नहीं नहीं बाबू जी, नहीं मैं आपको नहीं जाने दूंगा। बाबू जी आप मेहरबानी करके रात मेरे यहाँ गुजार लीजिए, मैं सुबह एक गिलास दूध आपको दूंगा, फिर आप कर जाएंगे। नहीं नहीं बहादुर, मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। बाबू ऐसा करना, कल सुबह होटल पे मिल लेना। क्यों, अब दिन में भी तुमको डर लगता है? बाबू जी रात को बाबू जी बहुत जरूरी काम है। वो हमारा राजबाबू है ना, उसका आज ड्यूटी करने का है। ये राजबाबू बहुत बड़ा आदमी है ना? हाँ मीन साहब, बहुत बड़ा आदमी है। कहाँ से आया है? ये हमको नहीं मालूम है ना। बताओ ना बहादुर। मीन साहब जरा तुम दुकान हटा के लगाओ। मीन साहब एक काम करो, आप घर जाओ, हम होटल जाके राजबाबू को पूछेगा कि वो क्या काम करता है, और फिर हम आपको आके बताएंगे। घूमने नहीं चलेगा? नहीं नहीं मैम साहब, आप मत घबराओ, हम आपको अच्छी तरह घुमाएगा। बाय 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 बाय। प्रेतनी यही है वो प्रेतनी।
कैसे आना हुआ? नीचे आपका ड्राइवर इंतजार कर रहा है। मिस्टर राज, मैं गाइड हूँ, यानी राज। ये देखिए यहाँ के खूबसूरत मकानों की तस्वीर। यहाँ पे दुनिया के कोने कोने से विजिटर, स्कॉलर और स्टूडेंट सैर करने आते हैं। ये है वो पहाड़ियाँ जिनके सीने से हीरे निकले जाते हैं, और ये है वो खतरनाक घाटियाँ जो किसी जमाने में राजा महाराजाओं की शिकारगाह हुआ करती थी। और ये यहाँ के सबसे ज्यादा खूबसूरत मंदिर जिसकी कला आज तक किसी की समझ में नहीं आई। तो सबसे पहले मैं मंदिरों की कला को देखना चाहता हूँ। लेकिन आप मिस्टर राज, मैं गाइड हूँ। मिस पिंकी, राह पर कहीं खुद ही ना अपनी राह भटक जाए। लगता तो कुछ पैसे ही मिस्टर। तुम छोकरी लोग का कितना गंदा है बेटा, ऑलवेज एक दूसरे को देख के जेलस फील करता है। अरे पैसे का बच्चा, अरे तूने तो मेरी जान निकाल देता। अरे भीख मांगते हो, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी इतनी ब्राउनी शक्ल है, लोगों को तू डरा के पैसे कमा सकता है। हट बाबा, हट बाबा, हट बाबा, हट बाबा। ये लो 50। 50 रुपये? बाबू जी 50 रुपये किस लिए? तुम घर जाके ऐश करो। गाड़ी की चाबी कहाँ? गाड़ी में। मैं घर जाके ऐश करूँ? समझ में नहीं आया। ये बाबू जी क्या कर रहे हैं? आप गाड़ी चलाएंगे? हाँ सर। बाबू जी यहाँ के रास्ते बड़े टेढ़े हैं। तुम फिक्र न करो, बहादुर मेरे साथ गाइड यानी के राह पर। फिक्र करने की कोई बात नहीं। मेरी दिल्लो रानी, अरे जी ये क्या बात है? आजकल कुत्तों से दिल लगाती हो क्या? हम वफादार नहीं? मैं तो तुम्हें भी वफादार समझती हूँ। वफादार क्या मतलब? झटकी है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे एक ऐसी आसानी हाथ लगी है कि बस बस माल ही माल है। अरे अपनी गाड़ी भी उसकी वर्दी में है। अभी अभी उसने 50 रुपये दिए। देखो 50 रुपये, बस जहाँ माल आ जाए बस मैं तुम्हारी शादी का एक क्या 50 कर दूंगा। क्या? मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ 5-6 शादी करूंगा। तुम्हारी ये भी झटके लगते हैं। दिल्लो रानी, जरा माल जेब में आ जाए तो ये झटके है ना लग के दिखा देंगे। बहादुर हाँ जाओ।
ये बदन क्या रंग बिखरा है, क्या खूब निखरा है, सुरमई शाम का बागबन। मैं खो गया हूँ तेरे वादियों का सफर है, खूबसूरत कला है। कला से ज्यादा खूबसूरत तो वो नगर है जो कला की कद्र करती है। जी हाँ, ये दो सदियों पुरानी कला है। आप आज की कला देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यहाँ एक प्रोफेसर रहते हैं, वो ऐसे बुत बनाते हैं बस ये लगता है अब भी बोल पड़ेंगे। मिस मीरा, बेजुबानी सबसे बड़ी जुबान होती है और उस जुबान को समझना भी एक कला है। मिस्टर राज जी हाँ, आइए मैं आपको आज की कला दिखाऊँ। चलिए आइए। धिंगड़ धिंगड़ दादा रा, धिंगड़ धिंगड़ दादा रा, धिंगड़ धिंगड़ दाड़ा दा। ससुर जी, मैं क्या ससुर जी? अबे ओ चुरपा कौन है बे? अरे तूने मुझे फिर चुरपा कहकर पुकारा। ससुर जी, मैं आवाज दे रहा था लेकिन आप सुनते ही नहीं थे। मैं क्या करूं, अगर मुझे तिरपट ही कहना था तो मैं तिरपट क्यों कहूं? मैं तो कहूं चौपट। बेटे चौपट तो तुझे मैं करूंगा। ससुर जी आप तो हम हा नाराज हो जाते हैं। देखिए ना मैं रहने के लिए क्या क्या लाया हूँ, कपड़े लाया हूँ, जूते लाया हूँ। जूतों की क्या जरूरत थी, जूते तो मैंने भी पहन रखे हैं। ओहो ससुर जी आप तो हम हा नाराज हो जाते। ससुर जी आप मेरे ससुर बन जाइए और मुझे अपना दामाद बना लीजिए, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। सेवा? बेटे सेवा तो तेरी मैं करता हूँ। अरे जी को देख लेगा, अरे मर गया खुद। आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी फिर सही कभी। हे भगवान कैसा ससुर। नहीं 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 नहीं, आगे इस बच्चे घर को नहीं आऊंगा। तेरे बापू ने समझ क्या रखा है, तेरे बाजार ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। लगता तो तेरा सती है ना। अरे वो बातें तो ऐसा करता है कि मैं उसका ससुर लगता हूँ और वो मेरा दामाद लगता है। देख रानी, जिस दिन मेरी खोपड़ी घूम जाएगी ना तो मैं उसे घोड़े का जुलाब दे दूंगा और वो बाजार में घूमता फिरेगा। बहादुर तुम तो ऐसे ही नाराज हो जाते हो। मैं अभी अभी बापू को कहकर आ रही हूँ कि अगर मेरी शादी बहादुर से नहीं करोगे मैं कुएं में कूद कर मर जाऊंगी। बापू घबरा गए और मेरी शादी तेरे साथ करने के लिए तैयार हो गए। सच सच। अरे रानी रानी की तेरी कहानी तो अपनी जिंदगी की बन गई सुहानी कहानी। यही है प्रोफेसर का मकान और नुमाइश काफी, जहाँ लोग गर्मियों की छुट्टी में बहुत दूर दूर से प्रोफेसर की कला देखने आते हैं। एक हुजूम सा लगता है यहाँ। 10 रुपए की टिकट बहुत मुश्किल से मिलती है। अच्छा? हाँ, आजकल स्नोफॉल की वजह से लोग बहुत कम आते हैं। चलिए मैं आपको प्रोफेसर की कला मुख दिखाऊं। चलिए चलिए। चंद्रशेखर इनको अंदर ले जाओ, साथ में मिलो। आई सर। अच्छा ये बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? आजकल मैं मॉडर्न आर्ट पर रिसर्च कर रहा हूँ, प्रोफेसर के बारे में काफी सुना तो सोचा दर्शन कर लूँ। लेकिन इत्तेफाक से आज इत्तेफाक काफी अच्छी है। जी हाँ मिस मीरा,
प्रोफेसर हसीन हुआ करते हैं। अब ना मेरी आपकी मुलाकात होती है, ना मैं यहाँ आता और ना प्रोफेसर। जसवीर प्रोफेसर होती है तो तैयार करते हैं। जी हाँ। वाकई सच सुना था, लगता है अभी बोल पड़ेंगे। हाथ मत लगाइए, डैडी गुस्सा करते हैं। नाखून तो एकदम असली वाले होते हैं। जी हाँ, इन नाखूनों को तराशने के लिए मैं जापान से सीम मंगवाता हूँ। डैडी ये है मिस्टर राज, मॉडर्न आर्ट पर रिसर्च कर रहे हैं। ये है मेरे डैडी। प्लीज टू मीट यू मिस्टर राज। हेलो सर, ये आपकी इतनी तारीफ सुनी कि आपको मिलने के लिए मैं बेचैन हो गया। मिस्टर राज, बेचैनियों और परेशानियों से ही कला का जन्म होता है। प्रोफेसर सर, मैं ये कला आपसे सीखना चाहता हूँ। आपने तो इन बुतों में जैसे जान डाल दी। मिस्टर राज, ये भी कितनी अजीब सी बात है कि जान डालने से पहले जान निकाल ली जाती है। जी हाँ, मेरा मतलब ये है कि इंसान खून पसीना एक कर देता है इस कला के लिए। बरसों की तपस्या, दिन रात की अंथक मेहनत, यूं महसूस होता है जैसे जान निकल गई। मैं तो आपकी बात में उलझ गया था। उलझनों में उलझ कर ही इंसान सुलझता है मिस्टर राज। और मिस्टर राज एक पूछ लीजिए। आप भी क्या मजाक करी, बुद्धि कभी बोलते हैं। 4:30 बजे आ रहा हूँ। जी लीजिए, सारे उलझनों से बड़ी उलझन। कमाल है, तुम यार हम लोग सब गाड़ी में इंतजार कर, तुम यहाँ बातों में लगे हो। राज यहाँ कैसे खबर पड़े? ये यहाँ मॉडल आर्ट पर रिसर्च करने आए हैं। रेनू इन्हें भी ले चलो ना पिकनिक पर। चलो ना राज। नहीं मिस रेनू, मुझे तो राज कलाकार किसी का दिल नहीं तोड़ा करते। जाइए इनके साथ। चल कभी प्रयत्नी अक्सर देखा है। पहले ये प्रयत्नी सिर्फ अमावस की रात को एक जान लिया करती थी, लेकिन अब हर रात को। जी, तो क्या ये प्रयत्नी इंसानों को खुद उठा के ले जाती है?
जी नहीं। तो फिर इंसान एक रात कैसे हो जाता है? जिस तरह आप कल रात परेशनी का पीछा करते करते कुएं तक पहुंच गए थे, अगर मैंने पहुंचती तो आप अपने होशो आवाज खो बैठते और कुएं में कूद पाते। फिर क्या होता? फिर दूसरे दिन अजयगढ़ में खबर मशहूर हो जाती कि मिस्टर राज परेशनी की हालत का शिकार हो गए। लक्ष्मीरा, आप इस इलाके में कितने दिनों से हैं? शायद मैं पैदा भी हूँ। अभी तक उस परेशनी की नजर आप पर नहीं पड़ी। मिस्टर राज, मैं कल आत्माओं की रिसर्च कब से करने लगे? जब से इस इलाके में आया। क्या मतलब? मतलब ये कि इस इलाके में एक प्रेतनी है जो हर 24 घंटे में एक जान लेती है। जी हाँ, कल आपकी एक सहेली भी तो गायब हो गई। तो सब प्रेतनी ही नहीं, मिस प्रेम यहाँ प्रेत भी पाएगा से। जी हाँ, कभी मौका मिला ओ डैडी, आप यहाँ? घर से पता चला तुम यहाँ आई हो, इसलिए मैं आ गया। प्रोफेसर सर तशरीफ। नहीं मिस्टर राज, मैं जरा जल्दी में हूँ। रेनू, आज रामनगर के राज साहब की लड़की की शादी है, हम दोनों को वहाँ बुलाया है, चलो। ओह, रमेश की शादी हो रही है? हाँ बेटी। प्रोफेसर साहब आपको चाहिए? नहीं मिस्टर राज, तकलीफ न कीजिए, चलो बेटी चलो। अच्छा मिस्टर राज, आप बेटी दोनों आई थे क्या? जी हाँ। तब तो बात पक्की हो गई होगी। कैसी बात? आप क्यों नहीं की? क्या बात है, आज बड़ी मूड में है। आज मुझे किसी ने बड़े प्यार से बुलाया है। बाद में। आज कितनी खुशी का दिन है ना, लेकिन मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। तुम्हें नहीं पता? बिल्लो रानी, आज के बाद तुम मुझे फिर नहीं मिलोगी ना? क्यों नहीं मिलूंगी? अरे वो कहते हैं ना, सगाई के बाद लड़की लड़के से नहीं मिलती। पर तेरे लिए तो अच्छा है, तू ही कहता था घर से मत निकला करो। अरे मेरी जान, वो तो अकेले ही नहीं निकलने के लिए कहता था। तू इधर बैठा प्यार कर रहा है, उधर घर पर तेरा राजबाबू इंतजार कर रहा है। मेरा? हाँ, और साथ में एक मेम साहब भी लाया है। अच्छा अच्छा, मैं चलूँ, तुम सीधे घर चले जाना। हाँ तू चलना इधर। आप कुछ चाय पानी लेंगे बाबू जी? जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहादुर नजर नहीं आता? अजय है अजय। अरे बाबू जी आप यहाँ, मेम साहब आप भी यहाँ। ये लो बहादुर मेरी तरफ। ओह थैंक यू। और मेरी तरफ। ओह थैंक यू वेरी मच। बहादुर शादी कब कर रहे हो? मेम साहब बहुत जल्द कर रहा हूँ मैं। मेम साहब शादी तो मैं अपने भैया के लिए कर रहा हूँ। भैया के लिए? जी हाँ, भैया घर में अकेले रहते हैं ना, उनका दिल नहीं लगता। उनका भी दिल लग जाएगा और मेरा भी मन बह जाएगा, और साथ ही साथ पड़ोसियों का भी खटका दूर हो जाएगा। अच्छा, तो पड़ोसियों का काफी ख्याल रखते हो? नहीं सर, वो भी तो हमारी खुशी में खुशी मनाते हैं। आइए 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 आइए। चुप चुप कहाँ चली है चोरी चोरी, घूमट जाए
उस दिन मेरे हाथ से फट गया तुम, अभी अपने आप मेरा पीछा करते करते फंस गया मेरे हाथ में। बोलो तुम कौन, बोलो तुम कौन है? अच्छा नहीं बोलेगा, ऐसा बोलेगा ये जानता है क्या? ये खोखरी है, खोखरी है? इसको आदमी की गर्दन से बहुत मोहब्बत है, ये आदमी से गले मिलती है बहुत जोर से, मालूम कैसे मिलती है? बताओ बताओ कैसे मिलती है? ए कामयाबी बन चुकी होगी। मेजर को टेलीफोन कर दो कि राज की बॉडी जूली के हवाले कर दे। बाड़ी जूली के हवाले कर दो। ओके जल्दी। खुद एक मुसीबत है। लाइफ मस्ट बी एडवेंचरस जी।
आप यहाँ? ओ, एनी ऑब्जेक्शन? अच्छी नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। प्लीज राम। है सो गाय कहाँ कहाँ का सैर करें? मंदिरों की, वादियों की और झरनों की, बस। और उन खंडहरों के भी? जी। चौंक क्यों पड़ी आप? यकीन नहीं आता। क्यों? वहां जो भी गया लौट कर नहीं आया। कमाल, मैं तो लौट के आया हूँ। आपके साथ तो गाय था ना? जी नहीं, मैं अकेला था। एलो, तुम अकेला था? माय गॉड, राज रियली तुम बहुत बहादुर आदमी है। आपको शक है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। मिस्टर राज, आज रात तुम हमारे साथ डिनर खाना पसंद करेगा? भला मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? हम अपना घर पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम आएंगा ना? श्योर आएंगा। ओह थैंक यू वेरी मच। ओके गाइस, बाय बाय। बाय। गुड लक मिस्टर राज। किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहाँ तक रोशनी मालूम होती है। बैठिए बैठिए ना। मिस जूली, आपने तो मुझे खाने की दावत से बुलाया था, लेकिन ये सब क्या? बड़े भोले हैं आप। ये रात, ये शराब, मैं इतना भी नहीं समझते। हेलो, यस सर, यस जूली स्पीकिंग। राजेश स्पीकिंग। यस एक्सक्यूज, कुछ असर हुआ? बोलो, हो रहा है? हो रहा है। मुसाफिर मंजिल तक पहुंच जाए। बोलो, पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा। जैसे को मैं भेज रहा हूँ, रात की बाड़ी उसके हवाले कर दो। भेजो भेजो। अब काम होशियारी से होना चाहिए, रात बहुत चालाक लड़ता है। शुक्रिया। ये मिस जूली, मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। खबरदार, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो मिस्टर राज। खिलौने की क्या जरूरत है मिस जूली, आपकी निगाहें इससे भी तेज है। सच सच बताओ, कौन क्या है इस इलाके में? अगर न बताऊं तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बताओ कौन हो तुम, वरना मैं कोई मार दूंगी। एक, दो। बताओ तुम्हारा बॉस? चुली, चुली,
बाहर जा रही है। आप राज की बॉडी लेकर चले जाइए। जबकि यहाँ के रहने वालों पर प्रेतनी ने नजर डाली। ये तो अभी शुरुआत है, वैसे आप अपना ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। तुम यही क्या कर रहे हो?
मर गया। अरे मर गया, अब वापस आने वाला नहीं। हेलो, कौन? मैनेजर? गाइड आई? जी नहीं, वो भी नहीं आए। आ जाए तो उस पर कड़ी नजर रखो, मुझे उसकी हरकतों पर शक है। ओके। जाती आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? वो काली फ्राक पहने, बाल कटे हैं, लाल रुमाल लगाए हुए। वो इधर से गई है, इधर से गई है। हाँ, क्यों
हो तुम चलो तो सही। राज, तुमने मुझे रोककर अच्छा नहीं किया राज। मेरा, अगर इस वक्त तुमने मुझे गाइड नहीं किया तो मैं रास्ते के गर्दों को बाहर में घुटकर मर जाऊंगा। राज, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अब मैं वापस नहीं जा सकती। लेकिन क्यों राज? जब मैं अपने आप को छोड़ती थी तो खुद को एक गंदी और भयानक कुएं में पाती थी। जितनी मैं बाहर निकलने की कोशिश करती रही उतनी ही मैं अंदर धंसती चली गई। और आज जबकि मैं कुएं से बाहर निकल आई हूँ तो तुम फिर मुझे वही धकेलना चाहते हो? नहीं मेरा, मैं तुम्हें इसलिए वापस लिए जा रहा हूँ ताकि तुम्हारी राहबरी में मैं उस कुएं तक पहुंच सकूं जहां तुम्हारी रूह की तरह और भी रूहें तड़पती हैं। मीरा, सफर में अब मोड़ आया और तुम मुड़ रही हो। राही और राहबर, हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मीरा, मैं चाहता हूं अपनी जिंदगी का तमाम सफर तुम्हारी राहबरी में। Thank you.
रास्ते में एक पत्थर है, जब तक हम उस पत्थर को ना हटा दें हम अजयगढ़ से नहीं जा सकते। राज, जब वो पत्थर किसी के रास्ते में आया है तो लोगों ने अपना रास्ता बदल दिया है। जिसने उसे हटाने की कोशिश की वो पत्थर के नीचे दबकर मर गए। मैं चाहती हूँ हम भी अपना रास्ता बदल दें। मेरा जो उस पत्थर के नीचे दबकर मर गए हैं उनके साथ कोई राहगर नहीं था। अगर तुम मुझे उस पत्थर की असलियत से वाकिफ कर दो तो मैं वो पत्थर जरूर हटा सकता हूँ। असलियत से तो मैं भी वाकिफ नहीं। कुछ तो जरूर जानती होगी। जितना जानती हूँ अगर उससे तुम्हें कोई मदद मिल सकती है तो बता देती हूँ। अचानक एक रात मेरी दीदी गायब हो गई। मेरे चाचा जी उसे ढूंढते ढूंढते पागल हो गए। उसकी याद में रो रो कर अपनी आंखें गंवा बैठे। हाँ राज, काफी अरसे तक उनका कोई पता न चला तो मैं उन्हें ढूंढने यहाँ आई। जिस रात मैं यहाँ पहुंची उसी रात मुझे बेहोश करके अपने कमरे से उठा लिया गया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक पुतखाने में पाया। राज, जानते हो मैंने वहां क्या देखा? अपने दीदी का पुत। हाँ, उन्होंने मुझे धमकी दी, तुम्हारा भी वही असर होगा जो तुम्हारी दीदी का हुआ है। मजबूरन मुझे वह सब कुछ करना पड़ा जो मैं नहीं चाहती थी। राज, वो लोग मुझे हर वक्त मौत की धमकियां दे देकर अपने इशारे पर नचाते रहे और मैं कठपुतली की तरह उनके इशारे पर नाचती रही। तो तुम्हारे हमशक्ल कौन है? वो मेरी दीदी की रूह है। रूह? लेकिन तुमने तो उसका बुद्ध देखा था। हाँ राज, जिनका अंतिम संस्कार नहीं होता उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं। अच्छा ये बताओ तुम्हारे बॉस कौन? उनकी शक्ल तो मैंने भी नहीं देखी, सिर्फ खुद ही मिलता है।
जानता था तुम जरूर आओगे। लेकिन आप यहां क्यों? राजू हो रहा है आपको? मिस्टर राज, यहां मेरा पुतखाना है, मैं यहां का भगवान कहलाता हूं। भगवान? क्या मतलब? मतलब ये कि कुदरत ने मुझे पैदा किया और मैंने इन बुतों को, इन्हीं बुतों की कला तुम्हें यहां तक खींच लाई। तुम ये कला सीखना चाहते थे ना? जी जी हाँ। तो आओ मेरे साथ। ये रहा मेरा बुतखाना। सोच लीजिए, इसके बाद शायद ही आपसे कोई पूछे और ना ही आप किसी से कुछ मांग सके। जी मैं समझा नहीं। बात यह है कि मेरी दुनिया में आने वाले की हर ख्वाहिश पूरी की जाती है और आपकी भी ख्वाहिश पूरी की जाए। हाँ, तो आप ये जानना चाहते थे कि मैं ऐसे खूबसूरत बुत कैसे और क्यों बनाता हूँ। जी हाँ मिस्टर राज, इन बुतों को बनाने से पहले जान की बाजी लगाना पड़ती है, बड़े जोखिम का काम है। इस बुतखाने का ताल्लुक होटल गुलमोह से है। बिल्कुल जिस गुलमोह का ताल्लुक, हमारी इस कामयाबी में दूसरे कलाकारों के अलावा होटल गुलमोह का भी काफी हाथ है, क्योंकि गुलमोहर में आकर रहने वाले इन बुतों को जन्म देते हैं। ये क्या कह रहे हो मैनेजर? शायद आप नहीं जानते कि गुलमोहर के हर कमरे में एक ऑटोमेटिक कैमरा लगा हुआ है जो इन कमरों में रहने वालों की खुफिया तौर पर मुख्तलिफ फोटो उठाता है, और जब ये फोटो प्रोफेसर को भेजे जाते हैं तो वो एक कलाकार की निगाह से इन्हें देखते हैं, और जिन्हें इनकी निगाह पसंद कर लेती है उन्हें रात की खामोशी में उठाकर यहां लाया जाता है, और जब दूसरे कलाकार भी इन्हें पसंद कर लेते हैं तो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है, ताकि इस दुनिया का राज बाहर की दुनिया को मालूम ना हो सके। बिल्कुल, रात के अंधेरे में उन लाशों को जलाकर खाक कर दिया जाता है। उनके अचानक गुम हो जाने की खबर अखबारों में छपती है, मामला पुलिस के सुपुर्द किया जाता है जो सिर तोड़कर उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन असलियत की तह तक कोई नहीं पहुंच पाता। सब थक हार कर खामोश हो जाते हैं यही सोचकर कि प्रेतनी ने उन्हें मार डाला है। ऐसे जलील काम करते हुए आपको शर्म नहीं आती प्रोफेसर? शर्म? शर्म पुलतनों की हथकड़ी है, और ये हथकड़ी मैंने उसी दिन तोड़ डाली थी जिस दिन मीरा की बहन शोभा ने मेरा दिल तोड़ा था। एक गरीब कलाकार का मोहब्बत भरा दिल, जिसकी रूह आज भी प्रेतनी के रूप में इधर उधर भटक रही है। मैं शोभा से प्यार करता था, वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन शोभा और उसका बाप जितना मेरी कला से प्यार करते थे उतनी ही मेरी गरीबी से नफरत। और एक दिन मेरे इन कमजोर और गरीब हाथों से शोभा को हमेशा के लिए छीन लिया गया, उसकी शादी हो गई और मेरी दुनिया वीरान और अंधेरी। मैं रोशनी की तलाश में इधर उधर भटकता हुआ यहाँ पहुंचा। अभी मेरे दिल का जख्म पूरी तरह भरने ना पाया था कि अचानक एक दिन शोभा और उसका खामद यहाँ आ गए। उनके आने से मेरे दिल में दबी हुई आग की चंगारी फिर से भड़क उठी, इंतकाम का जज्बा फिर से उभर आया, और एक रात मैंने शोभा को हमेशा के लिए खत्म करके इस मोम के पुतले में ढाल दिया। इस प्यार की आखिरी निशानी को देखकर मुझे पूरा सुकून होता है मिस्टर राज, और उसके बाद मैंने कसम खा ली कि हर ऐसे इंसान को जो मोहब्बत के झूठे नाटक खेलता है खत्म करके ऐसे बुतों में ढाल दूंगा।
ताकि दुनिया से मोहब्बत का नाम हमेशा के लिए मिट जाए। लेकिन आप शायद ये भूल रहे हैं प्रोफेसर कि भगवान की बनाई हुई मोहब्बत को खत्म करने से पहले कोई और उसको भी खत्म कर सकता है। तुम इंसानियत के नाम पर एक पदनुमा करता मिश्राज ये मत भूलो कि सब तुम हमारी कैद में हो। प्रोफेसर के खिलाफ बात करने वाले की जबान खींच दी जाती है इनके एक इशारे पर तुम्हें खत्म किया जा सकता है। बड़े जोखिम का काम है जी जान की बाजी लगानी पड़ती है। अब सुनो किस तरह मेरे ये मोम के पुत्र जन्म लेते हैं। मैं इन मोम के पुतों से जीते जाते इंसानों से भी ज्यादा काम देता हूँ। इनमें कीड़े जवाहरात भरकर बाहर मुल्कों में भेजता हूँ। उन मुल्कों में इन बुतों की नुमाइश होती है जहाँ इन बुतों के खरीदार बड़े बड़े जौहरी होते हैं। वो इनके मुंह मांगे दाम देकर इन्हें खरीद लेते हैं। इस तरह उन तक मेरे भेजे हुए हीरे जवाहरात पहुंच जाते हैं और मुझ तक लाखों रुपए। इसके साथ साथ अखबारों में मेरी कला की चर्चा होती है। सारी दुनिया के सर झुक जाते हैं मेरी इस कला के साथ में। घबरा गए मिस्टर राज अभी तो शुरुआत है। इट इज जस्ट ए बिगनिंग। स्टेज नंबर वन। हेलो इंस्पेक्टर राज हाउ आर यू। मैं तो ये लिखा सुनने का आदि हो चुका हूं लेकिन तुम्हें शहर में तकलीफ जरूर होती होगी। सब्र करो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी रूह को भी आजाद कर दूंगा। जो खुद अपनी आजादी दूसरों के हाथों बेच रहा हूं वो खड़ा किसको क्या आजाद कर। तुमसे पहले तुम्हारे तीन साथियों ने भी यही बात कही थी ना इंजेक्शन। मिस्टर राज मैं यहां हर आने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी करता हूं। मेरा मतलब यह है कि तुम कौन से मुल्क की सैर करना चाहोगे। चीन जापान इंग्लैंड अमेरिका क्योंकि तमाम मुल्कों में मेरे स्टेचू हर साल नमाइश की जाती है। अब तुम बताओ कि तुम कहां की सैर करना चाहोगे। तुम्हारी खामोशी जाहिर करती है कि तुम्हें हिंदुस्तान से बेहद प्यार है। तुमसे पहले तुम्हारे तीन साथियों को हिंदुस्तान से बेहद प्यार था। क्या तुम उनसे मुलाकात करना चाहोगे। मैं उनसे तुम्हारी मुलाकात चाहता हूं अभी कराऊंगा जरूर कराऊंगा। ये है मिस्टर रमेश ये 1900 में मेरे पास ये कला संख्या है। सेक्टर नंबर 48 ये है मिस्टर खान बड़ा बहादुर से दिया आदमी था ये 1963 में मेरे पास आया। सेक्टर नंबर 143 ये है मिस्टर रमेश मिस्टर राज ये वही मिस्टर रवि है जिन्होंने जो 1965 में इस लेबोरेटरी को बारूद करवाने की कोशिश की। इन तीनों को हिंदुस्तान से बेहद प्यार और मैंने इनकी हर ख्वाहिश की। अब मैं तुम्हारी भी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूं। एक बरस से अपने भाई रवि के खूनी की तलाश में मारा मार फिर Thank you.
ये सब सोच के बेकार है। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मैं बहुत सोचा से तुम्हारी तलाश की, ले जाओ से। इंस्पेक्टर राज, तुमने बहुत बड़ा काम किया है और मैं इस बहादुरी के लिए तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ और सरकार से सिफारिश करूंगा कि इस बहादुरी के कारनामे के लिए तुम्हें इनाम मिले। थैंक यू। लेकिन आप यहाँ, तुम क्या समझते हो कि तुम्हें यहाँ भेजकर मैं बैठा खाऊ से होगा? बाबूजी आप जिंदा है बाबूजी? आपकी तारीफ। ये बहादुर हैं और ये मिस्टर खन्ना। नमस्ते। इस केस को सॉल्व करने में इन दोनों ने मेरी बड़ी मदद की। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मेरे साहब आप तो खामोखा करविंदा कर रहे हैं। आपने अगर शुक्रिया हमारा अदा किया है तो हमको एक बात करनी है आपसे। आप इजाजत दीजिए। बोलिए। देखिए, हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हिंदुस्तान में इन जैसा और मुझ जैसा और इंसान पैदा हो ताकि हिंदुस्तान में जितना ये चोर और ये उचक्के हैं ना, उनको सबको पकड़ने में आपको मदद करें। थैंक यू। ओके राज, है ना? और सर्वेश्वर खन्ना, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बात क्यों भाई, हाथ हाथ क्यों मिला रहे हो? क्यों हमारी हमारी जीप में बैठ के स्टेशन नहीं जाओगे? गलत आप तीन आदमी की जगह चौथे के लिए। लो बहादुर, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब मैं जा रहा हूँ। आप जा रहे हैं बाबूजी, हमें बड़ी तकलीफ है लेकिन आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई है। बाबूजी, मिलता भी आपके साथ जाएगा? हाँ बहादुर, अगर राह पर साथ न हो तो रास्ता खुल जाएगा। बैठिए बाबू, मैं मेरी जीप को भी तकलीफ हो रही है, आप जा रहे हैं।